शमशाबाद नगर में माँ दुर्गा की शक्ति में सराबोर है। शहर में हर जगह पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना कर नगरवासी माँ की भक्ति में डूबे हैं। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया है। पंडालों में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। नगर के पंडालों में रोज हर एक दिन स्पेशल आरती पर माँ की उपासना की जाती है। आरती में नगर के लोग शामिल होकर माँ की उपासना कर रहे हैं। वहीं नगर में 600 साल पुराना बड़ी मढ़ी पर नवरात्रि पर माँ की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। बताया जा रहा है कि मंदिर पर नवरात्रि पर पूजा अर्चना करने से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। वहीं पुराने लोगों का कहना है कि ये मंदिर 600 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस मंदिर की पुरानी कथा भी लोगों ने सुनी हुई है। कहना है कि पहले के समय में यहाँ जंगल और टापू हुआ करता था, तब नवरात्रि में ये यहाँ पर शेर आकर माँ की भक्ति करता था। तभी पहले के लोगों ने सब देखकर यहाँ माता जी के मंदिर की स्थापना कराई थी। तब से इस मंदिर में नवरात्रि को विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हम खड़े हैं आज शमशाबाद के बस स्टैंड पर, जहाँ पर कि 6 वर्षों से माता जी की स्थापना की जा रही है। इस साल उनका 6वां वर्ष है, लेकिन शासन द्वारा जो गाइडलाइन दी गई हैं उनका समिति द्वारा बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है। सभी झांकियों के सदस्य सोशल डिस्टेंस का पालन करा रहे हैं। वहीं सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है और हर एक सदस्य यहां पर अपील कर रहा है सोशल डिस्टेंस के साथ चेहरे पर मास्क लगा कर आएँ। मेरे साथ भक्त हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस बार समिति की ओर से क्या क्या व्यवस्था की गई है। जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है इस बार माँ की भक्ति आराधना करने के लिए कि 30x45 के पांडाल 10 फीट की माता की प्रतिमा, उन सभी गाइडलाइनों का सभी माता के भक्तों के द्वारा पालन किया गया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे माता की 10 फीट की मूर्ति 30x35 का पांडाल है, हम सभी उस गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की जो भी गाइडलाइन है उनके तहत हम अपने सभी पालन कर रहे हैं। एवं हमने यहाँ पर अपनी समिति के द्वारा सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। 2 गज दूरी का पालन करने के लिए 2 गज की दूरी के डिफरेंस हमने अपने गोले तय किए हैं, उसके द्वारा माता के भक्तों को दर्शन कराया जा रहा है। हम खड़े हैं आज शमशाबाद के बस स्टैंड।